वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज वेडनेसडे है और अभी सुबह के कुछ 11 बज रहे हैं, कुछ ऐसे ही। तो आज का जो वीडियो है वो है मेरी एक डेली रूटीन के मुताबिक, लेकिन डिफरेंस ये है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, लाइक कोई भी नहीं। जो मेरे घर वाले हैं वो मुझे छोड़ के भाग गए क्योंकि मैं उनको बहुत बदतमीज़ लगती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हो गया कि सब लोग घर गए हैं और मेरे पास कोई भी नहीं है, और सारे दुनिया जहाँ के काम जो हैं वो मुझे करने हैं। अब तो अभी मैं उठी हूँ तो मैं तैयार शैर हो गई थी, थोड़ा तैयार इन द सेंस लाइक दुपट्टा शुपट्टा लगाना, क्योंकि घर में तो कोई पहनता नहीं है। तो मैं तैयार हुई और उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोई वगैरह किया, उसके बाद मैंने थोड़ी सफाई की, थोड़ी सी की है, अभी बहुत सफाई यहाँ करनी बाकी है, यहाँ बहुत गंद मचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो शूट करते हैं क्योंकि थर्सडे को मुझे कुछ ना कुछ व्लॉग तो डालना था और मेरे पास कंटेंट की हमेशा की तरह कमी हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो यही कंटेंट कर लेते हैं कि माँ बाप के बगैर मेरी ज़िंदगी कैसी है, या फिर मैं खुद काम कैसे करती हूँ, या मेरी ज़िंदगी कैसी है, वह जो भी। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी मुझे बाहर जाना है। एक्चुअली मैंने बिस्किट ला के रखा था क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती सुबह नाश्ता बनाने की, तो मैंने वो रात को खा लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं जा रही हूँ नाश्ता लेने, तो मैं देखती हूँ वहाँ पर मैं क्या लेने जाती हूँ नाश्ते की चीज़ें, तो मैं आपको भी साथ लूँगी और बाकी का भी दिन देखते हैं कि हमारा कैसा जाता है आज। और हमें सब कुछ करना पड़ेगा, खाना शाना भी खुद बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं आज क्या क्या किचन जलाते हैं हम, क्या करते हैं, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम नाश्ता लेने चलते हैं, नाश्ते में क्या खाएंगे हम, तो वो उसके बाद नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कैसा सड़ा हुआ नाश्ता बनाएंगे, ठीक है। नाश्ते के लिए अभी हम जा रहे हैं दुकान पे, और बाहर बहुत शोर मचा हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या मसले हैं। और मैं शॉप में शूट नहीं करने वाली क्योंकि पहली चीज़ पैसे मुझे एमपे के थ्रू ट्रांसफ़र करने हैं, और दूसरी चीज़ के अजीब लगता है यार, अजीब हो गरीब लोगों की नज़रें होती है, इसलिए मैं सोचा चलो अभी मैं रास्ते तक चल लेती हूँ, तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि वहाँ जाके क्या लेते हैं, मैं वापस आ गई। ओके, सो इस टाइम मैं ब्रेड ला चुकी हूँ और ब्रेड के साथ मैंने बटर लाया कुछ सा, क्योंकि ज़्यादा मैं खा नहीं पाती, फिर रोज़ ज़ाया हो जाएगा। फ्रिज है अलबत्ता मेरे पास, फिर भी कितना वो भूल जाता है, फ्रिज में पड़े पड़े और पड़ा ही रहता है। तो अभी अंदर पहुंच चुके हैं, नाश्ता बनाएंगे हम। साथ एक मसला हो गया, दैट इज मुझे नाश्ता बनाया बट मुझे तवा नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं। और इग्नोर माय काट कबाड़ क्योंकि अभी किचन साफ करना, लेकिन तवा कहाँ रखा है यार मम्मा ने, क्यों नहीं है मिल रहा, कहाँ है, मैं कैसे ब्रेड को टोस्ट करूंगी। मैं ऊपर आंटी से पूछ के आती हूँ कि उनके पास तो नहीं है, लेट्स सी। 2000 years later. और एक घंटा ढूंढ ढूंढ आने के बाद, पूरा घर छानने के बाद, फाइनली तवा नहीं मिला। अब मैं नाश्ता कैसे बनाऊंगी, चलो हम चाय पीते और ब्रेड ऐसी खाते वहां बैठ के। ओके, सो तवा तो मिलने से रहा, अब ऐसे ही नाश्ता करते हैं, अब ये खुलेगा नहीं। तो मेरी पुच्ची सी बटरी भी बेचारी पिघल गई है, और मेरा बिल्कुल मूड नहीं ऐसे खाने का। मैं सोचा था टोस्ट बनाऊंगी, अंडा भी था वो भी बनाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरे ज़िंदगी में स्ट्रगल ना हो ऐसा हो सकता है। मेरा स्लाइस तैयार हो गया, सलाम। अभी मैं चाय पीऊँगी और मैं साथ साथ अपने इस प्यारी लैपटॉप पे कुछ ना कुछ देखूँगी। ओके,
सो मुझे दूसरे लोगों के व्लॉग्स देखने से फुर्सत मिले तो मैं अपना व्लॉग शूट करूँ ना, तो मैं अभी कुछ व्लॉग्स देख रही थी दूसरे व्लॉगर्स के, तो फिर मुझे याद आया अरुबा तुम्हें तो अपना व्लॉग भी शूट करना था, तुम क्या इसी के साथ लगना है ज़िंदगी भर। तो मैंने चाय पी ली अभी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है, वो हम सफाई करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मुझे तय लगानी है क्योंकि ये कल ही धोए हैं मैंने, और वो जो मेरी टेबल शेबल है उसको सेट करना है, और यहाँ झाड़ू लगाना है, और किचन भी साफ़ करना है, और फिर बाहर से सब्ज़ी भी लानी है, और फिर खाना भी बनाना है, और जोहर की नमाज़ भी पढ़नी है, मतलब इतना कुछ करना है ना। और मैं यहाँ पे एक सी मैं यहाँ पे लोगों के व्लॉग्स देखने बैठी। हम तय लगा लेते हैं कपड़ों को, क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़िंदगी भर यहीं पे पड़े रहने हैं फिर हमेशा के लिए, अगर मैंने इनको तय नहीं लगाया तो। कपड़ों की तय लग चुकी है, अभी मैं ये रख के आती हूँ अपने उर्फ क्लॉजिट कम पैंट्री कम स्टोर रूम ज़्यादा में, और वो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गंद हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह एक ना एक दिन दिखाऊंगी अच्छे से सेट करके। और मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जस्ट इन केस मेरे पास तो कंटेंट की बहुत कमी होती है, आपको पता ही है हमेशा से, तो मैंने सोचा कि जस्ट इन केस ये जगह भी आपने वैसे देखी नहीं है मेरी, तो क्या मैं इस जगह का रूम टूर या जो भी होम टूर या जो भी बनता है टूर टाइप वीडियो बनाऊं या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्यों ना बनाई जाए, लाइक ये भी कंटेंट है मेरी ज़िंदगी में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी दिखाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। यू वाना सी दिस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको इस जगह का टूर टाइप वीडियो कुछ चाहिए तो मैं बनाऊँगी, अगर नहीं तो फ़ायदा क्या है मेरी मेहनत करने का अगर आपको चाहिए ही नहीं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर गंद कितना हो रखा है, वो मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है बेचारा, और ये सारा टूटने वाला था, ये सारा गंद वंद मचा हुआ है, और ये मुझे सारा उठा के साफ़ करना है, इवन यहाँ तक मेकअप फैलाया हुआ है, तो मैं साफ़ करने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। 1 2 3 देखा कितना साफ़ सफाई होगी। तो मैंने झाड़ू भी मार दिया, सब कुछ कर दिया, और जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हैं मेरे शीशे को क्या हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा शीशा था तो ये बेचारा टूट गया, अब जब नया लाएंगे तो फिर इंसानों वाला लगेगा ये। किचन में साफ़ करती हूँ जल्दी जल्दी, तो बर्तन धोते हुए आपको क्लिप मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आपको मुझे आपको देखना है ना कि मैं बर्तन कैसे धोती हूँ, मैं वो दिखा दूँगी, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं किचन में, और किचन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो उसको आप इग्नोर मारें, और पीछे की जो कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही हैं उसको भी आप इग्नोर मारें, तो इन शॉर्ट आपको इग्नोर सब चीज़ों को मारने सिवाय मेरी शक्ल की, क्योंकि खुद भूत नहीं लग रही है आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुबा जावेद्स बर्तन धोतिंग क्लासिंग। तो ये है हमारे आज के बर्तन, और आज हमें धोने हैं इनको सिर्फ और सिर्फ 2x स्पीड में, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैं कितनी टैलेंटेड हूँ कि मैं इनको 2x स्पीड में कैसे धोती हूँ। वेट, आप देखिए और सीखिए। वापस मिलते हैं हम 1 घंटे की ब्रेक के बाद, क्योंकि वो 1 घंटे की ब्रेक नहीं थी, 1 घंटा मुझे लग गया पूरा किचन साफ सफाई करने में। हम पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम मार्केट जाएंगे, मार्केट में हम शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग किस चीज़ की होगी, सब्जियों की। और हाँ, सुनने में आता है कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है कि वो आज शाम को ही वापस आ रही हैं, तो भी पूरा दिन तो मुझे निकालना है ना, मुझे इतने काम है, 1 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा ये, और मुझे पता है तुम लोग तो देखोगे नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारा काम है शूट करना, और मेरे कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा पूरा पूरा ब्लॉग देखते हैं, लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर तो नहीं करते होंगे लेकिन सब्सक्राइब करके रखा है उन्होंने, तो मेरे छोटी सी 2K फैमिली जो है मेरी प्यारी सी, मैं उसके लिए उनके लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मुझे इसलिए सब्सक्राइब किया है कि वो मुझे देख सके, तो इसीलिए ये थी हमारी बर्तन धोने की क्लास। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, पहले नमाज के बाद मैं आपको मिलती हूँ। हाँ जी, तो अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है, और इस टाइम मुझे पता चला है कि मेरी जो अम्मा जान है वो कुछ ज़्यादा ही मुझसे प्यार करती है, कि वो अभी कुछ 1-2 घंटे या 1-1.5 घंटे में आ जाएंगी, मैं अब उनको पिक करने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम सब्ज़ी लेने जाएंगे, तो सब्ज़ी लेने के लिए
अभी हम जा रहे हैं, अभी मैं देखती हूँ सब्जी वाले के पास कौन सी अच्छी सब्जी अवेलेबल है। वैसे मेरे दिमाग में कि मैं गोभी बना लूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया खाए हुए, तो वो बना लेते हैं, वरना अगर नहीं तो वहाँ ही जाके देखते कि क्या होगा। और सबसे पहले मुझे ATM पे जाना है क्योंकि मेरे जो पैसे हैं वो MPay में हैं और सब्जी वाला MPay नहीं लेता है, तो इसीलिए अभी हम सब्जी वाले के पास जाते हैं और मैं आपको मिलती हूँ वहीं पर। तो सुबह तक तो बहुत धूप हो रही थी लेकिन इस टाइम इतना अच्छा मौसम हो रहा है, लाइक धूप नहीं है और हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की, लेकिन मतलब थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है। और अभी हमारे हाथ में कार्ड है और स्कूटी की चाबी है और अब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं और मैं आपको वहीं मिलती हूँ, क्योंकि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं एक हाथ से स्कूटी चलाऊँ, एक हाथ से वीडियो बनाऊँ, सब कुछ करूँ। तो मैं वहीं पर मिलती हूँ। ओके ओके, सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू ATM और मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि लोग मुझे ताड़ रहे हैं, इसलिए तो वो रहा ATM और मैं वहीं जाऊंगी, अब देखते हैं। क्यों क्यों नहीं चल रहा है? Why not? What is it? क्या है इस ATM जो है? छोड़ दे मेरा कार्ड। तो मेरा कार्ड ही अंदर ब्लॉक हो गया था और 5 मिनट के बाद निकल गया, चलो शुक्र है। अब हम सामने सब्जी वाला है वहाँ सब्जी लेने जाते हैं। अंकल गोभी कितने की है? 70 क्या किलो? आधा किलो दे दें आप। तो ये हमारी सब्जी हो गई और अंकल जी छुट्टा दे रहे हैं। और ओके, सो मैं अभी आ चुकी हूँ वापस और ये मेरी कुछ जमा कुंजियाँ हैं जिनको मैं सीट में भर के ले आई हूँ उठा के, क्योंकि मेरे पास हाथ काम के नहीं थे। सिस्टर मैं अपनी चीज़ें लेके घर वापस आ गई हूँ और चप्पल टेढ़ी थी और मैं अभी वापस जा रही हूँ मतलब अंदर कमरे में, और मुझे वापस बाहर आना है क्योंकि मेरी स्कूटी की सीट को पता नहीं क्या पोलियो हो गया और वो बंद नहीं हो पा रही है। सो वेलकम बैक टू अरुबाज किचन, किचन नॉट कुकिंग व्लॉग, यू नो। तो आधा किलो में मुझे ये फफूंदी मिली है, ये इतनी छोटी सी गोभी जिसके पत्ते सारे उखाड़ेंगे ना तो अंदर क्या बचेगा, मुझे आप बताओ क्या बचेगा। और ये इसने टमाटर दिए हैं, ये 4 टमाटर। मुझे सब्जी खरीदनी नहीं आती यार, ये मोल भाव वाली चीज़ें, तो मुझसे सब्जियां ना ही खरीदवाई जाएं तो अच्छा है क्योंकि मुझे नहीं आती है। और ये देखो, ये छत्ता किसी काम का नहीं है, आधा किलो इसने उसका काम किया, ये है गोभी। बल्कि इसको भी हटाते हैं 1 मिनट और मैं आपको एक्चुअल गोभी दिखाती हूँ। एक से की क्लास होती है ना, उससे उसमें भी इससे ज़्यादा गोभी। ये मुझे पता है मैं बहुत दूर बैठी हूँ कैमरे से, लेकिन फिर ये मेरे हाथ से भी छोटी है, देखो आप क्यों इतनी छोटी दी है। अभी इसको छीलते छीलते ना इसके अंदर से कुछ निकलना ही नहीं है वहां से। अब मैं आपको सब्जी काटने के बाद मिलती हूँ। तो हमने लोकेशन चेंज कर दी है और मेरी गोभी में 50 लाख कीड़े निकले, गोभी इतनी सी निकली और 50 लाख कीड़े निकले। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको थोड़े गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल कर देती हूँ ताकि जो छोटे मोटे कीड़े जो मुझे नहीं दिख रहे वो ख़त्म हो जाए और ये साफ़ हो, शफाफ हो जाए। और यहाँ हमने टमाटर फाइन चॉप करके रखे हैं विद दिस बटर वाली कुच्ची छुरी, और मैं भूल गई कि सालन में प्याज भी रहता है और प्याज मैं बाहर से लाई नहीं हूँ और मेरे पास शायद 2 प्याज फिर भी पड़े हुए हैं नीचे। तो हम प्याज काटते हैं और प्याज काटने का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रोना आता है और हमें अपनी मनुष्य शक्ल आपको दिखाने में मजा आता है। तो वेट,
ये रहे हमारे प्याज, और नीचे मैंने स्वर्ग बनाया हुआ है अपना प्याजों का। ये देखिए मेरी बटर वाली छुरी बेचारी हमेशा नाकाम होती है कि उंगलियों से प्याज खोलने पड़ते हैं। आप देख लो क्या हाल हो चुकी है मेरी। अभी अभी मुझे 2 मिनट में रोना आ जाएगा और मुझे कुत्ते पड़ जाएंगे। और यहाँ हमारी गोभी बॉयल हो रही है बेचारी, उबल रही है, सड़ रही है। तो वाह, प्याज का कलर मेरे हाथों में लग रहा है, पता नहीं कैसे प्याज है। अच्छा जी, जो तो एक प्याज मंगा कर दिया हमने, अभी दूसरा प्याज मंगा करेंगे। आ, मेरी उंगली पे मैंने छुरी फेर दी थी। वैसे ये बटर वाली छुरी है बेचारी, इसे लगनी क्या ही है, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, जब चुभती है तो लगती है भाई। आए, आंखें जल रही हैं मेरी, अब जल रही हैं मेरी आंखें। तो ये 2 प्याज मंगे हो चुके हैं और अब हम काटेंगे इनको जल्दी जल्दी, इससे पहले कि मुझे और रोना आ जाए। मुझे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, जस्ट इन केस यू कैन सी माय आंखें। और मुझे पता है मैं बहुत मनहूस लग रही हूँ रोते हुए, लेकिन दिस इज माय आंसू, मेहनत के आंसू, यू नो बहुत आंसू है। मम्मा की अपडेट ये है कि मम्मा जी ने मुझे बताया नहीं कि मैं आ गई हूँ, और वो अब खुद आ रही हैं और मैं उनको पिक करने नहीं जा रही हूँ।